हाँ भाई, क्या चल रहा? नहीं आज फिर से जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? चल क्या रहा है भाई? 3 दिन के एपिसोड के बारे में हम सबको पता है, मैंने बात कर ली, अब क्या बात करूं? कल पूरे एपिसोड भर मैं वेट करता रहा, इंतजार। अबे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का इतना वेट नहीं किया है जितना उसकी माँ का वेट कर लिया मैंने। अरे आधी जाओ आंटी, साला पोस्ट ऑफिस से आ रही है क्या? अरे स्पीड पोस्ट कर दो उसको, भेजो तो सही। बिग बॉस अभी यही रिस्पॉन्स है। अबे तुम लाइव दिखा रहे हो, इतना पीछे कैसे हो सकते हो यार? आज वेडनेसडे हो गया, आज माँ आएगी अंकिता लोखंडे और इसकी विक्की जैन और उसकी बीवी और बच्ची के साथ। फिर कल मुनव्वर वाला एपिसोड आएगा और बाकी जो आएंगे दो, कौन कौन आया था, आयशा खान आई थी और एक और किसी का आया था, और उसके बाद जो आज लाइव चल रहा है वो तीसरे दिन पे आएगा। मैं चल गया रहा है बिग बॉस, तेरा साबुन स्लो है क्या? मेरे से ले जा भाई। अच्छा मैं भी लाइफ बॉय यूज करता हूँ, तो डिटॉल का था। कुछ भी भाई सब, मां नहीं आई अभी तक, मां नहीं है। वो कौन सी मूवी थी, बोल बच्चन? मां नहीं है, मां नहीं आई भाई। इंटरव्यूज आ गए उनके, इतने आर्टिकल, मत बताऊं कितने आर्टिकल है मेरे पास। मेरे पास 5 आर्टिकल हैं अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की मां के ऊपर, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। 5 आर्टिकल छपे पड़े हैं, बट एपिसोड में मां नहीं आई, मां नहीं आई। और भाई साहब मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों की शादी हुई है, बट अगर ऐसी शादी होती है ना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, कोई शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा मुझे। अरे माँ का इंटरव्यू है विक्की जैन की माँ का, जहाँ पे उसने सीधा सीधा बोल दिया कि तुम पहले सुधार करो, उसके बाद दूसरे से करोगे ना, ये थोड़ी तुम करते रहोगे। ये बात हो रही है मुनव्वर से रिलेटेड, जबकि भाई मानती है वो, ले सासू माँ, भाई मानती थी और तूने बताया क्या? अरे उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम तो सपोर्ट में नहीं थे अंकिता की शादी के, ये तो विक्की ही ने शादी करने के लिए पीछे पड़ा था, हम सपोर्ट में नहीं थे, अब कर रहा है तो निभा रहा है। अबे तेरा बेटा कहाँ कहाँ हाथ मार रहा है, तुझे उसकी गलती नहीं दिख रही, सारी गलती तेरी बहू में है। भाई साहब सही कहा है, लड़की ही औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। भाई साहब लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है देश में, सीरियसली लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है देश में। भाई देखो अंकिता से शादी विक्की ने ही की है, हम लोग तो कोई सपोर्ट में थे नहीं, है ना, विक्की ने की है, अब वो निभाने तैयार है, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। सासू माँ अंकिता लोखंडे के लिए कह रही कि वो सुशांत का नाम सिंपैथी के लिए ले रही है, बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है, बट ये मैं बोलूँ ना चलेगा, ये तुम बोलोगे चलेगा? अबे तू फैमिली मेंबर है, तू नहीं बोल सकती ये सब, उसका पास्ट है, उसका उसकी जिंदगी का हिस्सा है वो, इसलिए मैं बात नहीं करता उस बारे में। जब भी मैंने रिकॉर्ड किया मैंने डिलीट मार दिया है, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है सुशांत के टॉपिक को टच करने में, मैं खुद ही इमोशनल हो जाता हूँ। और उसके साथ तो था, तो वो बोलती भी ठीक है, इट्स ओके, चाहे गेम के लिए, चाहे फीलिंग्स, चाहे जो भी है, पर तू सास है उसकी यार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई सब, पैसा हो ना बंदे कुछ भी बोलते हैं। सही बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलो चलेगा। बेटा और बहू में लड़ाई हुई, बहू की फैमिली को कॉल कर दो, बहू का एक एक्स था जो वेल नोन बंदा था, सिंपैथी के लिए कर रही है, बहू है मेरी बट हम तो सपोर्ट नहीं करते शादी के लिए। अबे बेटे ने इतनी गंदगी मचाई हुई है शो के अंदर, मेरा बेटा ओ राजा बेटा, अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो मैं बाहर वाला, आई नो मैं अंकिता लोखंडे के बारे में ज्यादा बात करूँ क्योंकि सबसे ज्यादा आर्टिकल उसी के ऊपर छपे हुए हैं, अगर मैं बाहर वाला हूँ मैं भी डिफेंड कर सकता हूँ कि चलो मियां बीवी हैं, दोनों की लड़ाई होती है, पर हर घर की कहानी है ये, और हमने देखे सीरियल्स और हम रियल जिंदगी में जीते हैं, तो ये नेशनल टेलीविजन पे हो रहा है इसलिए हम सब नोटिस कर रहे हैं। अगर ये हर घर की कहानी है मैं बोलता हूँ तो मैं समझता भी हूँ, बट चले ये तेरे घर की कहानी है तू पब्लिकली इंटरव्यू में ये कैसे बोल सकती है सारी बातें? मतलब अंकिता लोखंडे की माँ फिर भी थोड़ी सेंसिबल बातें कर रही है कि ये घर घर की बात है, बट यहाँ पे तुम इतने महीनों से हो, माइक पहने हो, कैमरा हर जगह है, तो वो गलत दिख रहा है, बट ये हर घर की कहानी है जो वैलिड है, जो मैं समझता हूँ। बट विक्की जैन की माँ, एक ही बेटा भाई साहब, प्रोमो आया यहाँ पे अंकिता लोखंडे बोल रही है, भाई मैंने इतना क्या गलत कर दिया कि मेरे घर वाले मेरे से सवाल कर रहे हैं? मैं कहा ये क्वेश्चन तो मेरे दिल में भी आ गया, तेरी सिचुएशन देख के मैंने कुछ किया नहीं होगा अभी तक, उतना नहीं किया जी, सारे लोग मेरे, अरे तूने बहुत किया भाई, तूने बहुत किया, बट 100 करोड़ जितना नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ ना 100 करोड़ मैं कुछ भी बोलूंगा और तुम मानोगे, सही बोल रहा हूँ मैं, लीव अ लाइक। बात तो सही है। इसके बाद कौन है झाड़ खाने के लिए? मनारा चोपड़ा, मनारा चोपड़ा भाई साहब, बंदी ने लेजिट इतना ऑब्सेशन दिखाया है ना मुनव्वर से,
मेरे को यकीन होता है ऐसा ऑब्सेशन मेरे लिए कोई मत रखना प्लीज, जिंदगी में कोई नहीं, ना लड़का ना लड़की चाहिए ही नहीं मुझे। जैसे कि मेरे को प्रॉब्लम देके मुझे गलत बात पे कॉल आउट करके तुम्हें सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है, ये वर्ड यूज किया उसने, अबे शैतान की बच्ची। अभी किसी ने क्लिप पे मैं टैग नहीं किया था, पोस्ट किया था ट्विटर पे, ये क्लिप देखो, अजीब जानवर है। कौन सी जगह पे तूने सही जगह से कॉल आउट किया है मुनव्वर को, मेरे को एक बात बता दे। विकी जैन से बात करी, उसने तेरे पीठ पे खंजर मार दिया, समर तेरे को उकसाता रहता है, बट चोमो चिंटू की बात तेरे को बड़ी लॉजिकल लगती है। अभी खबर आई कि बहन है, बहन भी मुनव्वर के खिलाफ भड़का के गई है, मैं कहा उसकी कोई गेम है भी? देखो अगर तुम बोल रहे हो कि मनारा की गेम है, नागिन हंडा की गेम है, तो क्या है मेरे को जेन्युइनली जानना है। तुम मुनव्वर को कॉल आउट कर रहे हो, तुम्हारी कोई गेम नहीं दिख रही, अबे तुम्हारी कौन सी गेम है? चोमो चिंटू अपनी बंदी के पीछे पड़ा रहता है और उसके एक्स के पीछे पड़ा रहता है, ये गेम है? 3 महीने से हम यही देख रहे हैं और कुछ नहीं देखा मुझे, और चुम्मा चाटी ये बॉय मनारा चोपड़ा, कभी मुनव्वर कभी अनुराग कभी विकी जैन कभी समर्थ, हर लौंडे पे तो जा रही है। बंदी कहती मेरा आज तक कभी लिंग अप, अरे क्या बात करिए, चुम्मा चाटी हुई तो थी, लिंग अप नहीं हुआ, बट मेरे को बड़ा बुरा फील हो रहा है कि मुनव्वर के साथ, अरे जब हुआ था ये तेरे मुंह पे बोली गई थी बात वीकेंड के बाहर पे, तब तो बड़ा ही कर रही थी तू, डायन कहेंगी ऊपर से बिग बॉस भी पीछे पड़ा हुआ मुनव्वर, अबे तेरे को टीआरपी चाहिए, तेरे को जो चाहिए वो दिलवा तो रहा है बिना कुछ किए, तेरे को उंगली क्यों करनी होती है हर बात पे? चलो बुला लिया कन्फेशन रूम में मजे लेने के लिए, हाँ आपकी प्रायोरिटी क्या बताइए, अगर मनारा का नाम नहीं हो तो हम और तंग करेंगे। और उसके बाद वो डायन खान भाई, सब सबके जबान पे सिर्फ एक ही नाम है, मुनव्वर फारूकी, और सबका कहना ये है इसकी कोई गेम नहीं है। मैं कहा अगर गेम नहीं तो फिर बातें क्यों है, कुछ किया हो तभी तो बात कर रही है ना उसकी। अनुराग का दो, अनुराग और मुनव्वर दोनों एक ही कॉइन के पहलू है, अबे पहलू तो है तू अपनी पहली संभाल, उसके चार चार गिने आ रखे हमने वैसे ही। हाँ मनारा चोपड़ा के रिश्ते के हैं, गेम तो छोड़ दो रिश्ते के हैं। ईशा मालवे तो दोस्त माना था उसने वोट कर दिया, विकी जैन को दोस्त माना था उसने वोट कर दिया, चिंटू ने नहीं किया था मेरे ख्याल से, मुनव्वर से दोस्ती करी उसका गेम खराब किया, अनुराग से दोस्ती करी उसको खा गई, इस बार समर चला जाए, मैं बता रहा चोम चिंटू चला जाए, मैं फिर बोलूंगा खा गई एक और को डायन, सॉरी नागिन, अरे खा जाएगी, राठौड़ साहब निकालो इसको, नहीं हो पाएगा। बाकी आज प्रोमो क्या है, लाइव पे आया है, अभिषेक की मम्मी आई हुई है तो अभिषेक रोना शुरू कर देता है, उसके साथ मुनव्वर रो रहा है, मैं क्यों रो रहे हो भाई, ठीक है समझता हूँ 2.5 महीने बाद मिले हो माँ से, बट माँ माँ होती है। उसके बाद मुनव्वर की बहन आई थी वो चली गई है, अभिषेक की माँ आई है, ईशा की बाप आई है और चोमो चिंटू की बाप आई है, मतलब चोमो चिंटू का बाप अभिषेक की तारीफ कर रहा है, मैं कहा तेरे बेटे को थप्पड़ मारा है इसने, तू तारीफ कैसे कर सकता है, थप्पड़, एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो चोमो चिंटू के पापा। हाँ मुनव्वर से रिलेटेड कोई बात नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं है मेरे पास, नल नील कुछ बात ही नहीं करने के लिए है क्या, कुछ दिखाया ही नहीं है साला, जितनी बात थी एडवांस में मैं कर चुका हूँ, अब क्या बात करूँ। उसकी बेटी आएगी अरुण की, पता नहीं मिसकैरेज वाली बात कहाँ से आ गई, मैं कहा म्यूट है तुम सबको ये सारी सुनाई कैसे दी बातें, बट मिसकैरेज वाली बात हो जाएगी जिस पर वो रो जाएगा, फिर बेटी आएगी तो बेटी मुनव्वर को हक करेगी, मुनव्वर उस पर इमोशनल हो जाएगा क्योंकि उसको अपने बेटे का याद आ जाएगी, मैं कहा ये बतानी पड़ रही है मुझे बातें 8 मिनट करने के चक्कर में, इतने बुरे दिन आ गए मेरे। ओ एक डायन खान को झाड़ना भूल गया था मैं बंदी कहते करियर तबाह हो जाएगा, मैं ऐसी बातें बता दूंगी, मतलब छोटी बच्चियों के साथ क्या किया तूने, तू बता क्यों नहीं देती मेरे को, क्या 1 महीना हो गया उसको आए हुए, ऑलमोस्ट 1 महीने से एक ही आर रोना लेके बैठी हुई है कि मैं बाहर की बात बता दूंगी तो इसका करियर खत्म हो जाएगा, इज्जत खत्म, अरे बता दे भाई इतनी गिल्ट ट्रिप कौन देता है, मर्डर किया है रेप किया नहीं किया ना कुछ भी, तू बता ना मेरे को क्या किया उसने, लड़कीबाजी करी है मचाया होगा ज्यादा और क्या हो गया, और बता दे क्या किया, बकरी बेची थी तेरी, सच बता, मैं बता रहा हूँ इसकी बकरी बेची है, इसका गुस्सा इसको बाहर दूसरे को प्रॉमिस दे के, अरे मैं 1000 प्रॉमिस करता हूँ यार, आधे से ज्यादा तो मैंने अभी तक पूरे भी नहीं किए हैं, बट मैं कोशिश तो करता हूँ पूरे करने की, साला नो डाउट मुनव्वर ने छोड़ दिया होगा इसको, ऐसी डायन के साथ कौन रहेगा साली चुड़ैल, गजब बेइज्जती है। और किस बात पे गुस्सा है, विकी जैन ने जो बात बोली है वो उसका पत्ता मुनव्वर पे फाड़ा है, मैं कहा पकौड़ी जिससे लड़ना उससे लड़ना, जबकि विकी जैन आया था बात करने के लिए, उससे भिड़ने की उससे भिड़ी नहीं, थोड़ी सी बात करी फिर मुनव्वर पे, मैं कहा तेरे को और कोई नजर आता है, बाखुदा तुम ही हो मुनव्वर तुम ही हो, अरे साला क्या है ये, प्यार है दुश्मनी है गुस्सा है क्या है ये, क्योंकि नफरत तो नहीं दिख रही मुझे, इंसाफ चेक, इंसाफ तो बड़ा नहीं मिला तुझे कहीं पे भी, सॉरी चेदी वो बोल दिया तू दूरी क्यों नहीं बनाती मुझसे, मैं बता रहा हूँ चोमो चिंटू और डायन खान को निकाल दो यार,
साला पूरा मूड खराब कर देते हैं। अंकिता लोखंडे को तो पहले निकालो, अंकिता को निकालो या विकी को निकालो, किसी एक को तो निकाल दो। सीरियसली बोल रहा हूँ, साज बहुत साजिश नहीं देखना मेरे को यार। साला उनकी लड़ाइयाँ देखता हूँ ना, मेरे को लगता है मैं वो कोई टीवी सीरियल देख रहा हूँ, साज बहू वाला। अरे मैं नहीं देखना मुझे यार। साला मैं नार्कोस देखने वाला बंदा, ब्रेकिंग बैड देखने वाला बंदा, स्ट्रेंजर थिंग देखने वाला बंदा, साज बहू साजिश देख रहा हूँ। अरे बचपन में बहुत देखा मैंने, क्योंकि साज भी कभी बहू थी। सोच रहे हो अंकिता लोखंडे कभी सास बने और वो ऐसी सास बने, आयरनी हो जाएगी बहुत गंदी। भाई पहली बार हुई जहां पे मैं टाइटल की शुरुआत मुनव्वर फारूकी से नहीं करूंगा, अंकिता लोखंडे से करूंगा, तो क्या करूं मैं क्या करूं? बिग बॉस 3 दिन पीछे चल रहा है, व्हाई बिग बॉस व्हाई? साला मुझे लगा था कल का टारगेट है, मतलब कल मेरे को चैलेंज मिला है कि कोई टॉपिक नहीं, वीडियो बना के दिखा बिग बॉस पे। अब तो मुझे लग रहा है कि चैलेंज नहीं, वो शुरुआत थी। असली चैलेंज आज का था कि बेटा आज वीडियो बना के दिखा, हमने कुछ दिया ही नहीं तेरे को करने के लिए, क्या बात करूं। नॉमिनेशन टास्क फुद्दू गिरी थी वो। तो किसी ने मेरे को टैग किया, जहां पे टैग भी नहीं किया, पूछ ही गया था। अभिषेक कुमार और सिद्धार्थ शुक्ला की कंपैरिजन कर रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला का एक जब सीजन था ना, उन्होंने बोला था ना गिनवा दिया था 12 लोग, 1 2 3 4 5 6 सबके सब भाड़ में जाओ। वो ये चीज अभिषेक ने की, मैं कहा वो वानो भी सिद्धार्थ शुक्ला है, उसका एक इंटरव्यू में है ये चीज। जब बिग बॉस OTT चल रहा था तब मैं जानता भी नहीं था, मैंने मजे भी ले हुए यानी 2.2 पे शायद, तब इसने बोला था कि अगर मैं हो गया तो आसिम और मैं भिड़ जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला, तो फिर अभिषेक मल्हान का कोई सीन ही नहीं है। मैं कहा तेरे को चिल्लाने से फुर्सत मिल जाए ना, तब दिमाग लगा के सोच लियो। पूरे शो को चलाया उस बंदे ने, बोलने से पहले सोच लिया करो यार, चिल्लाहट ही नहीं होता हर चीज पे। साला जिससे दोस्ती करता उसको खा जाता है, उस पर चढ़ ही जाता है, थोड़ा तो दिमाग लगा यार। रिश्ते बना रहे, रिश्ते बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, रिश्ते निभाना बड़ी बात होती है मेरे भाई, याद का ज्ञान समझ लो। बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत नहीं हो तुम्हारी किस्मत। पीस आउट।